चलिए मुबारक, सामने से मत आ जाइए। चलिए الله رحمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ما تفعلون أما تحسر التفاصيل قائد محترمة قائد نكرام أرباب الصحافة عزيزان ملة السلام عليكم ورحمة الله چونکہ میں डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी में आने से पहले अक्सर लोगों को पता है कि 35 साल से तारीख के कश्मीर के साथ वाबस्ता रहा हूँ, हुर्रियत के साथ वाबस्ता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने उस वक्त पे भी फख्र है और आज जब मैं PDP ज्वाइन कर रहा हूँ तो इस पर फख्र है। मैंने जब देखा कि सियासत में हमारे सियासी कायदीन और सियासी तंजीमों ने किसी एक शोबे को पकड़ के आगे चलना शुरू किया, किसी ने बेटे की जुदाई की बात की, किसी ने नज़रबंद की बात की, किसी ने डेवलपमेंट की बात की, किसी ने किसी और मसले की बात की, लेकिन एक ऐसी जमात यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने इन तमाम महाजों को टच किया और उन पर काम किया और वह है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। मोहतरमा कायदा के हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ, या इससे पहले मरहूम मोहती महमूद सईद साहब अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उन्होंने भी जब सियासत इस सियासत का आगाज़ किया PDP के हवाले से, तो उसके बाद कायदा ने उनका वो मिशन जारी रखा कि सभी महाज आपने कैक वक्त उनको एड्रेस किया, खैर वो नौजवानों की नज़रबंदी है, नौजवानों का जेलों में होना है, जुल्म सितम है, क्रैकडाउन है, अलग हजर कयास, उसके साथ साथ दूसरी जो मसाइल हैं उनको भी आपने उबारा। यही वो चीज़ है जो मुझे यहाँ खींचती चली आई, ले आई। और मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि गुज़श्ता 5 साल से हम जहाँ पे हैं थे वहाँ तो कोई बात भी करना बना करती थी, और मैंने महसूस किया कि चूँकि यहाँ मसला कश्मीर पे भी बात होती है, इंतखाबात पे भी बात होती है और लोगों के मसाइल पे भी बात होती है, लोगों के साथ ज़्यादती और लोगों के जमहूरी सियासी और इंसानी हकूक जो है उनसे भी उनकी भी बात होती है, तो इससे बेहतर प्लेटफार्म मुझे और कोई ना लगा। यही चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई कि मैं अपने लोगों की यहाँ पर आके खिदमत करूँ। एक और नुकता जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन लड़ने के हवाले से मेरा ये नज़रिया है कि इलेक्शन लड़ना ही मकसद नहीं है, इलेक्शन में हिस्सा लेना ही मकसद नहीं है, मकसद लोगों की खिदमत है। ये जिस तरह से आप चाहे कर ले, कोई कैमरे से कर रहा है, कोई पेन से कर रहा है, कोई माइक पे आके कर रहा है, कोई कंपेन चला के कर रहा है, लहजा मेरा मकसद जो है वो भी इंतखाबात नहीं है कि मैं मैंडेट हूँ वहाँ से उठूँ इलेक्शन लड़ूँ निकलूँ, नहीं, इंशाल्लाह मैं अपने लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस पॉलिसी को आगे लेकर चलता चलूँ, जहाँ पे मेरे मौकफ की भी, मेरे एहसास, मेरे जज्बात और मेरे लोगों के एहसास और जज्बात की भी नुमाइंदगी हो रही है, ये मेरे लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। बस हमने गुजारिश की थी इनसे कि ये हमारे पार्टी से कैंडिडेट होना मंजूर करे, पर जैसे कि आपने इनके ख्यालात सुने तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी और को चांस दे दीजिए, मैं वैसे ही। और मुझे खुशी है कि इनका जो नज़रिया है जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से, कि मसले कश्मीर के हल के लिए जो लोगों ने अनथक कुर्बानियाँ दी हैं वो रायगा नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ तरक्की का एक दौर भी जो मुफ्ती साहब के वक्त में शुरू हो गया उसको भी आगे चलाना है। हमारे हज़ारों लोग नज़रबंद हैं जो बहुत ही उनके ख़ानदान कसम कुर्सी की हालत में इस वक्त जी रहे हैं, बड़े सारे मसाइल हैं। तो इसलिए PDP का जो इलेक्शन लड़ने का मकसद ये नहीं है कि भाई हमने पावर में आ रहे हैं तो हमें कुर्सी मिलने वाली है,
पीडीपी का मकसद इलेक्शन को लेके ये है कि हमने लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो तंगियां हैं, उनको कम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए सुबह से, आप यहाँ पर हो, और मैं सलीम साहब की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्हें भी तशरीफ लाया। मुझे तो इतनी अच्छी उर्दू बोलनी नहीं आती जितनी, इतनी अच्छी, बिल्कुल मोती बरसा रहे थे ये। और आप जिस तरीके की ये बात कर रहे, जिस तरीके की उर्दू बोल रहे थे, मैं इनका दोबारा उनके साथ, उनके साथी है, उनका इस्तकबाल कर रही हूँ अपनी जमात में। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर बिलखसूस जो हमारा शहर है, जो जम्मू कश्मीर का दिल है शहर श्रीनगर में, उसमें हमारी पूरी तरह से मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।